करवा चौथ व्रत पर सुहागनों की हर डिमांड पूरी करने के लिए बाजार सज गए हैं। बाजारों में इस त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है। फिर ब्यूटी पार्लर गिफ्ट आइटम में करवा चौथ स्पेशल का तड़का लगा हुआ है। गिफ्ट पैलेस की दुकानों पर महिलाओं की खासी भीड़ दिखाई दे रही है। कोरोना महामारी के बाद इस पर्व का प्रभाव भी बाजारों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये कल जो करवा चौथ का व्रत है उसके लिए किस प्रकार की तैयारी? ये हम अभी मेहंदी लगवा रहे हैं, फिर मार्केट जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। महंगा देखते हुए क्या लगता है कि व्रत कुछ प्रभाव पड़ा? महंगाई का तो बहुत प्रभाव पड़ा है। पहले लॉकडाउन था, लेकिन अब लॉकडाउन खुल गया है, इसकी तो खुशी है। पर जैसे कि पहले कोई चीज़ 100 रुपये में मिलती थी, अब 500 रुपये की कर दी है। कुछ भी सामान लेके आते मार्केट से तो वो महंगा ही मिल रहा है पहले के मुकाबले। पलवल के कांजीवाड़ा मोहल्ले में नगर परिषद द्वारा कंडम घोषित एक 2 मंजिला पुरानी हवेली जर्जर हालत के चलते अचानक गिर पड़ी। इस दौरान कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन हवेली के गिरे मलबे के कारण पड़ोस में बनी एक व्यक्ति का मकान और बिजली के 4 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। अचानक इस घटना से आसपास के लोगों में भय का माहौल बन गया। पीड़ित मकान मालिक का कहना है कि जब नगर परिषद ने हवेली को कंडम घोषित कर दिया था तो फिर इसको नष्ट न करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो ये घटना नहीं होती और इसका खामियाजा उसे नहीं भुगतना पड़ता। सामने जो हवेली थी वो कंडम थी, आज भर भर आकर गिर चुकी है। तो नगर परिषद की तरफ से कोई नोटिस मकान मालिक की क्या प्रक्रिया रही? नोटिस लगे हैं, इसमें पहले भी लगे हैं, अभी लेटेस्ट 2-1 महीने पहले भी लगा था, बट उसके बाद कोई कार्रवाई ना हुई, ना हो कमेटी वालों की तरफ से, ना इनकी तरफ से। कई बार कह लिया बट कोई हो नहीं कार्रवाई। किस तरह का नुकसान आपको हुआ है इस हवेली के गिरने? देख लो, कभी दीवार तोड़ के आ गई, मोटर भी धरी थी, पानी की पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन सब धरी है, सब बहुत सामने आपके। जान माल का तो नुकसान? बस मम्मी ने, वो थोड़ी किस्मत सही थी कि मम्मी यहाँ थी, थोड़ी सी लगी है बट वो बच गई अभी। नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड पर है, जिसके अंतर्गत अंबाला पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। अंबाला पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड लिया जाएगा। पकड़े गए आरोपी पर पहले भी कई नशा तस्करी सहित अन्य क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस जांच में जुटी है कि ये नशा तस्कर पहले किस किस नशे की सप्लाई कर चुका है और ये नशा कहां से लेकर आता है। काम करते हुए इन्होंने खुड्डा मोड़ सहा के अंदर नाकाबंदी की और वहां पे एक संदिग्ध जिसका नाम महावीर पुत्र गुलाब, जो कि संभालखा गांव का सहा क्षेत्र का रहने वाला, उसको राउंड अप किया और उसकी पर्सनल सर्च के दौरान उसकी जेब से 1 किलो अफीम रिकवर की। इसको कल गिरफ्तार करके आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, ताकि ये पहले किस किस को सप्लाई करता रहा है और ये कहाँ से अपनी जो कंसाइनमेंट है कहाँ से लेकर आता था, उसके बारे में गहनता से तफ्तीश हो सके। गुरुग्राम के कोल गोर्स रोड सेक्टर 53 में सीएम फ्लाइंग और थाना सेक्टर 53 गुरुग्राम की संयुक्त टीम ने प्रिंस पान कॉर्नर पर छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित ई सिगरेट और विदेशी सिगरेट बरामद की है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम में अवैध रूप से प्रतिबंधित विदेशी ई सिगरेट और भी प्रतिबंधित सिगरेट बेचने का काम किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई। झज्जर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार आई कार ने बाइक सवार दंपत्ति समेत 3 लोगों को बुरी तरह से रौंद दिया। हादसे में 3 की जान चली गई। हादसा झज्जर जिले के पटोदा और लुहारी गांव के बीच हुआ। हादसा कुलाना की तरफ से जा रही पंजाब नंबर की गाड़ी से हुआ। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मामला है कि हमारे जो है ना मनीष कुमार और राजेश और उसकी पत्नी, ये पटौदी से आ रहे थे, अपने को इनको पेशेंट कोई प्रॉब्लम थी मैडम को, उसको चेक करवा के वापस अपना पटौदा आ रहे थे। तो इसके लोहारी और पटौदी के बीच में वेयर हाउस और पेट्रोल पंप के पास में कोई पुलाना साइड से पंजाब नंबर की गाड़ी और होंडे कंपनी की,
उसका चालक ने वहाँ क्रॉसिंग करते हुए लफड़त से लापरवाही से चला गए, एक्सीडेंट कराया, जिनके अब इन मौके पर ही तीनों इंजर्ड हुए थे, लेकिन डेथ हो चुकी है इनकी। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।